To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज इस भाग में हम देखेंगे छोटी छोटी तीन पजल्स। क्या करना है आपने? पजल सुनने के बाद वीडियो रोकना है, सोचना है और एक या दो मिनट का वक्त लेना है और अपने से पजल को सॉल्व करना है। आज की पजल से आप सीखेंगे क्या? क्रिएटिव एनालिसिस, एनालिसिस विथ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एनालिटिकल थिंकिंग। एक या दो मिनट के वक्त में पजल सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप उत्तर जरूर देखें, लेकिन उत्तर देखने के पहले एक या दो मिनट सोचें जरूर। लिखने की जरूरत पड़े तो लिखें। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर वन। इस पजल में आप देख रहे हैं एक फिश टैंक। टैंक रेक्टेंगुलर है और पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। करना क्या है आपने? आपने आधा पानी बाहर कर देना है, लेकिन आपके पास कोई भी मेजरिंग कप नहीं है, मेजरिंग स्टिक नहीं है, वजन करने का कोई भी सामान नहीं है। अब आप बताइए, पूरे भरे हुए इस टैंक से आप आधा पानी कैसे हटाएंगे? वीडियो को रोकें। बहुत सिंपल है, पानी गिराना शुरू कर दीजिए और पानी को तब तक गिराते जाइए जब दो कॉर्नर हॉरिजेंटल नहीं हो जाए। अब चलिए देखते हैं दूसरी पजल। इस पजल में आपको दिया गया है एक बॉक्स। बॉक्स के अंदर 10 ब्लैक कार्ड्स हैं और 20 येलो कार्ड्स हैं। टोटल कार्ड्स हैं 30, 10 काले 20 पीले। अब बॉक्स बंद है, बॉक्स में आपने अंधेरे में हाथ डालना है और कार्ड्स निकालने हैं, और इस तरह से कार्ड्स निकालने हैं कि मिनिमम कम से कम एक कार्ड दोनों कलर का बाहर निकले। बताना यह है आपको कि आप कितने कार्ड्स निकालेंगे कि आप गारंटी से बोल सकेंगे कि दोनों कलर का एक कार्ड मिनिमम बाहर आपने निकाला। वीडियो रोकें, आंसर देखते हैं। आपको निकालने पड़ेंगे तीन कार्ड। पहले दो कार्ड निकालेंगे। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? दोनों कार्ड या तो ब्लैक होंगे, या तो दोनों कार्ड येलो होंगे, या एक कार्ड ब्लैक होगा एक कार्ड येलो होगा। लेकिन पहली दो पॉसिबिलिटीज में दोनों कार्ड ब्लैक निकले, दोनों कार्ड येलो निकले। जब आप तीसरा कार्ड निकालेंगे तो कार्ड ब्लैक होगा या येलो होगा। कोई भी कार्ड निकले, दोनों कलर के एक एक कार्ड आपके हाथ में अवश्य होंगे। तो चलिए अब देखते हैं तीसरी पजल। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको तीन गोलियां देते हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हर आधे घंटे में आपने एक गोली लेनी है। अब आपको बताना है कि आपके पास गोली कितने घंटे चलेगी। वीडियो बंद कर दीजिए, देखते हैं आंसर। आंसर बड़ा सिंपल है, आपने डेढ़ घंटे तो नहीं बोला ना? डेढ़ घंटे बोला तो आपका उत्तर गलत है। आपके पास गोली चलेंगी एक घंटे। पहली गोली ली, आधे घंटे के बाद दूसरी गोली लेंगे और दूसरे आधे घंटे के बाद तीसरी गोली लेंगे। एक घंटे में तीनों गोलियां खत्म हो जाएंगी। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, इस तरह की पजल से एनालिटिकल थिंकिंग तो बढ़ेगी ही, साथ में क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। हट करके सोचना हम सीखेंगे। इसी तरह से विविध कुशलताओं को विकसित करते करते हम 501 पजल की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।